नमस्ते एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो मैं हूँ आपका दोस्त निखिल और आ गया हूँ लेके आपके लिए एक और वीडियो आपके सामने आप देख ही रहे हो वन ऑफ द फेवरेट कार ऑफ इथ सेगमेंट द जीप कंपस बट दिस इज नॉट द फोर इंटू फोर दिस वन इज योर लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल ज फोर इंटू टू मैनुअल ट्रांसमिशन क्या इसकी प्राइस है ऑन रोड एक शोरूम कहां से आप ले सकते हो कैलकाटा में अगर आप रहते हो तो क्यों ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए और अगर आप मार्केट में लेने के मन बना ही लियो तो वीडियो को भी रुकी जाना गाइस क्योंकि सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन मैं कवर कर दूंगा इस वॉक वॉकरऑन रिव्यू में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो सो so, वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहना पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना एंड डोंट फर्गेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड जॉइन द फैमिली लेट्स गेट गोइंग वीडियो करने के पहले जैसा मैंने आपको बताया ये है 2023 ट्वेंटी तो थ्री ब्रांड न्यू वाई ब्रांड न्यू बिकॉज देख लो इसका जो फ्रंट फेशिया है और इसका जो प्री है उसका फ्रंट फेशिया जो है वो बिल्कुल अलग है सो दिस इज द न्यू वन गाइस सो ये जो है मॉडल ये है आपकी लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल फोर इंटू टू मैनुअल ट्रांसमिशन जो अप्रॉक्सीमेटली आपकी पड़ती है साढ़े चौबीस लाख एक शोरूम ऑन रोड आते आते सत्ताईस से अट्ठाईस लाख के बीच में पड़ेगी मगर आप अगर कैलकटा में हो और आप ये गाड़ी लेने का सोचते हो तो कैलकटा में वन एंड ओनली सेलिका जीप यहां पर आप आ जाओ इसकी टेस्ट ड्राइव ले लो इसके बारे में जान लो कुछ नहीं तो हमारे सब्सक्राइब हुए तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट डील जो है वो ज़रूर से यहाँ पे फाइनल हो जाएगी और गाड़ी जितनी जल्दी आपको मिल सकेगी उतनी जल्दी मिल जाएगी चलो वीडियो के आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी चाबी से तो भैया ये है इसकी चाबी जो नॉर्मल वाली जीप की चाबी आती है लॉक अनलॉक सिंपल रखा गया है इसकी को डिसेंट सा वेट है लुकने में भी दिखने में भी प्रीमियम है लुकने में प्रीमियम छी 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 क्या हो गया हमारे हिंदी और इंग्लिश को लुक वाइज प्रीमियम है दिखने में भी प्रीमियम है और शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी जो हेडलाइट है उससे सो गो गाइस ये है इसके डी और यहाँ पर जो है आपको एलईडी का सेटअप मिल जाता है रिफ्लेक्टर और हाई आ, यार ये डिसअपॉइंट कर दिया यार ये एलईडी का सेटअप तो है बट ये बल्ब है जो बोथ रिफ्लेक्टर एंड हाई बीम मैं आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बट यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो गई बट गाड़ी का जो थ्रो है लाइट है जो थ्रो है आई I मीन mean, हेडलाइट का वो काफ़ी अच्छा है गाइज फॉग लैम्प भी जो है वो आपको यहाँ पर एल में ही देखने को मिल जा रहा है बट जस्ट लुक एट दिस जीप कंपस अब अफोर्डेबल प्राइस हो गया है बिकॉज इसका जो पीड है जो आपका ये है फोर इंटू फोर गाइज ये वाला जो है ये आपको अप्रॉक्सीमेटली तैंतीस लाख तक भी टॉप मॉडल पड़ जाता है ऑन रोड बट ये वैल्यू फॉर मनी जो है मैनुअल इसका ये आपको 27-28 के बीच में अब मिलने लग गया है फोर इंटू टू जो अपने आप में ही अमेजिंग है बिकॉज इसका ही सेम इंजन आपकी मेरिडियन में भी है इसका भी मैं वीडियो आपके लिए ले आने वाला हूं या मोस्ट ऑफ्ली ले आया तो आई लिंक पे आपको वो देखने को मिल जाएगा लुक एट दिस लुक एट दिस ब्यूटिफुल फ्रंट स्टांस इसके ब्यूटीफुल सी ये चार जो बॉक्स सॉरी सात जो बॉक्स है विथ क्रोम फिनिश एंड दिस मैट फिनिश में ये जो है बहुत अच्छी लग रही है एंड ये जीप की ब्यूटीफुल सी क्रोम में लोगो प्लस जीप का यार देर आर मैनी थिंगस अबाउट जीप जिसके लिए ये फेमस है वन ऑफ द थिंग इज इट्स बिल्ड क्वालिटी एंड द पेंट दैट दूज आई मीन जस्ट लुक एट दिस इनकी जो पेंट क्वालिटी है ना ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है अपने आप में बिलीव मी ऑन दैट इसकी पेंट सालों साल खराब नहीं होती है बिकॉज इतना अच्छा कोटिंग होता है इसमें हल्के फुलके स्क्रैचेज तो ईजिली इसका बॉडी शीट मटेरियल हैंडल कर लेता है पेंट में पता भी नहीं चलता है बट द जिस माई ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो लुक एट दिस अमेजिंग अप्रोच एंगल अमेजिंग ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में गए जिसकी जो इमीडिएट कंपटीटर्स हैं वो है आपकी एम की हेक्टर विच इन माई ओपिनियन इज अ गुड कार बट जीप अपने आप में ही जीप है हैरियर वो भी इसकी कम्पेटिटर है नई वाली हैरियर फेस भी आ गई है उसकी वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाले हैं वो भी एक अच्छी कंपेटेटर है बिकॉज़ ये भी दो लीटर की इंजन आती है शायद उसमें वन है सफारी में दो लीटर बट वो मैं आपको बता दूंगा कंपेरिजन कभी अगर करूंगा तो उसमें मैं आपको पूरी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर कर दूंगा फिलहाल इसके साइड प्रोफाइल में चलते हैं डायमेंशन जो आपके स्क्रीन पे मैं दे दे रहा हूँ गाइज बट यहाँ पे कंपस की बड़ी सी जो बैजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है टायर प्रोफाइल की बात करें गई जिस लोकतज सिंपलिस्टिक रखा गया है नॉलॉयस को स्टाइलिश है एट द सेम टाइम दे दे लुक वेरी वेरी सिंपल टायर प्रोफाइल की बात करें गाइस तो यहाँ पर हमें 225 60, पच्चीस 17 इंच के टायर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं विद डिस्क ब्रेक इन फ्रंट एंड एट द बैक सेफ्टी के मामले में गाइज जीप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है बॉडी क्लैडिंग की अगर बात करें गाइज पूरी की पूरी गाड़ी में

वन सेकेंड गाइज जस्ट लुक एट दिस दिसा इसका स्टांस जो है ना ये देखने में छोटी लगती है कभी छोटी तो नहीं लगती है बट जितनी बड़ी लगती है उससे काफी बड़ी लगती है आंखों के सामने जब आप देखोगे इसको तो यहाँ फंक्शनल रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाते हैं और ये मैस पैनोरामिक सन रूफ जो इस गाड़ी की एक अपने आप में ही यूएसपी है एक छोटा सा क्वार्टर पैनल जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बड़ी सी विंडो जो है वो हमें देखने को मिल जाती है फ्यूल लिट जो है वो यहाँ पे मिसिंग है मजाक कर रहा है यार उस साइड में होता है जीप में हमेशा दिखा देता था आपको ये रहा प्रेस करने से जो खुल जाता है और भैया कोई नॉब वॉब नहीं है ये नया वाला फंडा है यहां पे सीधे नोजल डालो और डीजल को है जो भर दो बट बहुत जल्द आई एम श्योर जीप भी जो है वो पेट्रोल पे धीरे धीरे डीजल तो यार कितने दिन ही चलेगी अब, अब, अब छोड़ा उठाओ वो वो अलग स्टोरी है वो अलग वीडियो बनेगी जब बनेगी बनेगी बट यहाँ पे शार्क फिर नाइनटीना देखने को मिल जाते हैं हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प रेयर डिफॉगर्स वाइपर्स एंड वॉशर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं जीप में बड़ी सी बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है लॉन्ग ट्रिक की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को बड़ी स्टाइलिश क्रोम फिनिश मिल जाती है सेलिका की बैजिंग वॉट अगेन डिसअ गाड़ी का जो लाइटिंग जो है फॉर दिस ब्राइट सेगमेंट मेरे को डिसअपॉइंट किया बिकॉज ये एल ई डी नहीं है ये आपका नॉर्मल जो बल्ब जो आते हैं उसमें दिया गया है इंक्लूडिंग योर टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ बट अगेन इसका जो थ्रो जो है जो क्वालिटी जो है बल्ब का वो काफी अच्छा है तो दैट द थिंग एंड कम्पनसेट्सो इकोनॉमिकली भी होता है बिकॉज कभी अगर इनमें डैमेज हुआ ना तो इनका रिप्लेसमेंट कॉस्ट बाकियों के कंपेरिजन में थोड़ा कम पड़ेगा सो दैट इज ऑल्सो बिग प्लस जस्ट लुक एट दिस डिपार्चर एंगल आई मीन इट इज जस्ट ऑसम लुक एट दिस बैक प्रोफाइल तगड़ी सी बल्की सी बैक प्रोफाइल है जो वो आती है यहाँ पर एक लेवर है उसको प्रेस करके हम बूट को एक्सेस कर लेते हैं बूट का जो कैपेसिटी है वो मैं आपको स्क्रीन के सामने में दे दे रहा हूँ यहीं पर ही आपको जो मैं दिखा देता हूँ स्पेयर व्हील जो है वो एक इंच छोटी मिलती है सोलह इंच की मिलती है जो मैक्सिमम एक किलोमीटर जा सकती है विच इज ओके आई गेस नॉट 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 बैड बट यहाँ पर आपको बूट लैम्प हैं वो देखने को मिल जाती है कुछ हुक मिल जाते हैं देखने के लिए एंड uh, तगड़ी तगड़ी पार्शल ट्रे विच इज ऑल्सो गुड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट इलेक्ट्रिकली क्लोजिंग टेल गेट जो इसे नहीं मिलती है सो दैट इज़ अ बमा बट कोई बात नहीं चलो सबसे पहले जो हम ड्राइविंग सीट को सबसे पीछे में भेज देते हैं और फिर हम चलते हैं सेकेंड रो पैसेंजर सीट की तरफ भरते हैं उसके पहले डोर पे नज़र डालते हैं गाइस भारी डोर है वन सेकेंड सेफ्टी फीचर्स आपको मैं स्क्रीन के सामने शेयर कर दे रहा हूँ छः एयर बैग या एट एयर बैग जो भी है सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके स्क्रीन के सामने में बट जस्ट लुक एट दिस दिस इज हार्ड प्लास्टिक शुड हैव गिवेन सॉफ्ट प्लास्टिक बट ये सब सॉफ्ट टच यहाँ पर जो है वो नहीं सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच में दिया गया है एल्बो रखने के लिए वन टच अप डाउन आपके जो पावर विंडोज के बटन है वो देखने को मिल जाते हैं ब्लैक एंड बेज में जो है इसका कॉम्बिनेशन किया गया है विथ योर रूफ बीन ब्लैक एंड योर सीट बीन बेज काफी एरी बनाता है कैबिन को एक लीटर की बॉटल यहाँ पर आराम से आ सकती है गई स्क्रैप हैंडल है चलो आओ चलते हैं सीट पर सीट में घुसने के पहले फैब्रिक एंड लेदराइट का दोनों का मिक्स यहाँ पर है जो आप चाहो तो उसको पूरा का पूरा लेदराइट भी करवा सकते हो चलो सुनते हैं डोड थर्ड तगड़ा दोड तगड़ा दोड था भाई साहब चलो लेग रूम की बात करें सबसे पहले तो भैया नी रूम सॉरी थाई सपोर्ट ब्रिलियंट अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये यहाँ से ना ये आगे निकला है तो थाई सपोर्ट बड़ा अच्छा मिलता है अच्छी खासी कुशनिंग है सीट की फर्म है लॉन्ग ड्राइव पे तो बहुत ही मजे आने वाले हैं यहाँ पर आपको मिडल आर्म रेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड तीनों के तीनों पैसेंजर को थ्री पॉइंट सीट बेल्ट भी प्रोवाइड की गई है चाइल्ड आइसोफिक्स ऑन टू साइड दिस साइड और जहां मैं बैठा हूँ वहां पर नी रूम इज डिसेंट लेग रूम इज ऑल्सो डिसेंट ये सीट पूरी की पूरी पीछे की हुई है उस लिये अगर थोड़ी सी आगे जाती है तो अच्छा खासा हमें कंफर्ट मिल जाएगा यहाँ पे पियानो ब्लैक में फिनिश दी गई है विथ योर ए सी वेन्स एंड उसके कंट्रोल यहाँ पे यूएस बी का एक प्लग मिल जाता है यहाँ पे ट्वेल्व वॉट सॉकेट का हमें यहाँ पर एक और प्लग देखने को मिल जाता है

चलो आओ चलते हैं अपने फ्रंट सीट में अब यहाँ इसका तो यही था मैगजीन होल्डर भी है अच्छा है गाइस बैक सीट इज नाइस एंड कंफर्टेबल विच इज गुड चलो आओ चलते हैं फ्रंट सीट पे अब यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है चलो आओ इसे खोलते हैं भारी सी डोर है गाइस यहाँ पर सॉफ्ट टच का यूज पूरा किया गया है ऑल दिस इज सॉफ्ट टच विच इज गुड डीज आर हार्ड प्लास्टिक विच इज ओके स्पीकर सेटअप एंड एवरीथिंग मैं आपको अपने स्क्रीन पे जो है वो शेयर कर दूंगा यहाँ पे चारों के चारों जो हैं वो ऑटो अप एंड डाउन आ, पावर विंडोज दिए गए हैं ओ के कंट्रोल्स हैं लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक का यहाँ पे बटन है कोई इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट या फिर को पैसेंजर सीट नहीं मिलती है यहाँ पे मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा चलो चलते हैं ड्राइवर सीट पे और सुनते हैं इसकी डोर थर्ड देखते हैं ड्राइवर सीट कितना अच्छा कंफर्ट हमें ऑफर करता है ग्रेट डोर थर्ड ग्रेट डोर थर्ड वन सेकंड देखो गाइस इसमें बैठ के ना एक अलग ही मजा लगता है व्हाट इट लैक्स इज थोड़ा बहुत नीस, ये थाई सपोर्ट व्हिच इज नॉट गुड 27 28 लाख की गाड़ी में थाई सपोर्ट इतना लैक नहीं होना चाहिए uh, मैं सीट को इतना ही रख रहा हूँ तो ज्यादा मैंने आगे किया नहीं है स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों की दोनों हैं व्हिच इज़ नाइस जीप की बड़ी सी बैजिंग जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं है बट अच्छी ग्रिप हमें ऑफर करती है सेमी डिजिटल एम जो है वो देखने को मिल जाती है जिसके कंट्रोल्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं अगर आप देखो तो यहाँ पर मोरोलेस हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाती है बड़ी सी टच स्क्रीन जो बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव है गाइज वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन नॉट ओनली इन द टच रिस्पॉन्स बट ऑल्सो द फ्लूडिटी जब आप इसे टच कर रहे हो जब आप यू नो वेन यू आर एक्चुअली सॉरी वेन यू एक्चुअली यूजिंग इट बहुत बहुत फ्लुडिक है और टच इसका जो फील भी जो है ना बहुत स्मूद है बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आपके ऑटो इंजन ऑन ऑफ ट्रैक्शन के कंट्रोल हैार्किंग असिस्ट एंड पैसेंजर साइड एयरबैग ऑन या ऑफ रखना है वो आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहां पर आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी का ऑप्शन मिलता है विच इज फैंटेस्टिक वैल्यू फॉर मनी मॉडल में आपको वो देखने को मिल जाता है यहां पर आपके वायरलेस चार्जिंग पैड है वो देखने को मिल जाते हैं दिस इज योर सिक्स स्पीड मैनुअल गियर का नॉब है ये देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिल जाते हैं ट्विन कप होल्डर्स चाबी रखने का स्लॉट सेंटर आर्मरेस्ट विथ सम स्टोरेज विच इज ग्रेट एंड दिस इज एडजस्टेबल दैट इज ऑसम सीट की अगर बात करें गाइज सीट कंफर्ट इज गुड डिसेंट अच्छा खासा हेड रूम है डिसेंट सा शोल्डर रूम है अपोल्टी की बात करें करेगा मस्त है कुशनिंग की बात करें तो

इसके एंजॉय करो बारिश हो रात का वक्त हो एंजॉय करो इसका व्यू लो इससे मत निकलो ज्ञान नहीं दे रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिकॉज इट्स नॉट सेफ मैन्युअली एडजस्टेबल आई जो है वो देखने को हमें यहां पर मिल जाती है रेन सेंसिंग वाइपर्स का यहां पे हमें सेंसर्स मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का भी हमें सेंसर मिल जाता है हेडलाइट के कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने को इंडिकेटर्स एंड जो फिनिश so दी गई है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लेकिन आई बिलीव इट आल्सो हैज थोड़ा बहुत एम्बियंट लाइटिंग भी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज जनरली ये जब रहता है ना तो इंडियन लाइटिंग का भी हिसाब किताब कुछ रहता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूँ मुझे अच्छे से अगोनोमिकली अच्छे से प्लेस किए गए हैं एस्थेटिकली गिव्स यू प्रीमियम क्वालिटी टच एंड फील फिट एंड फिनिश इज जस्ट टॉप क्लास टॉप नॉच कोई जवाब नहीं कोई भी जवाब नहीं ब्रिलियंट है चलते हैं इसके इंजन बे में और आपको बताते हैं कि इसके इंजन में आपको क्या परफॉर्मेंस ऑफर होती है ए पिलर भी यार डिसेंट थिक है थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनने वाला है इसके वजह से व्यूइंग एंगल इज ऑल्सो फाइन सो चलाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी राजा गाड़ी है स्टेयरिंग की और फिर से मैं बिफोर आई गो वन सेकेंड गाइज Sorry about that. Steering के एक और बता दूँ, शायद hydraulic steering है, में शायद है। है। इसमें से electric steering नहीं आती है. फिर भी मैं के नीचे मैं आपको clear जो information है, वो दे दूंगा. अगर मैं भी गलत बोल रहा हूं तो उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा so end result आपको एक्यूरेट ही मिलेगा चलो इंजन बे में चलते हैं काफी भारी होती है, काफी भारी इंसुलेशन मिल जाती है हमें बट यार अब मेरे हिसाब से ना हाइड्रोलिक्स इनको देना चाहिए डी जीप टर्बो डीजल का जो हमें यहाँ पर वही सेम इंजन है जो आपकी मेरिडियन में भी मिलता है यहाँ भी मिलता है जो आपकी कुछ अप्रोक्सीमेटली 350 सौ पचास एन एम टॉर्क अप्रोक्सीमेटली वन बीएचपी ऐसा कुछ निकाल के देता है परफॉर्मेंस के मामले में इसका कोई जवाब नहीं गाइस फोर इंटू टू है सिटी में मस्त दौड़ेगी हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी ईजिली ले लेगी हाँ हिल के लिए, 4 into 4 ही, इसका सबसे सबसे चंगा प्रोडक्ट निकल के आता है बट अब ये जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में जीप कंपस जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई है सो so ये तो थी हमारी वीडियो अबाउट द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री न्यू जीप कंपस कैसी लगी आपको गाइज ए कमेंट सेक्शन में दो मिनट भी नहीं लगेंगे बता देना हमें बट प्लीज डोंट फेट टू तो हिट द लाइक बटन अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज डू दैट एंड अगर फै, फैमिली में नए हो तो प्लीज 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 ज्वाइन आर फैमिली बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर अपडेट्स मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस आई लव यू ऑल